सबसे पहले प्रोफेसर सुबोध मेहता साहब, मैं आपका रुकना चाहूंगी। सर, बिहार में क्या हो रहा है, पहला रिएक्शन? बिहार में देखिए, जिस तरीके से कटिहार की बात आ रही है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि गोली लगने से एक व्यक्ति का देहांत हुआ। अब गोली कैसे लगी, जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन वहां कह रहे हैं कि भाई एक साजिश के तहत, या फिर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें एंटी सोशल एलिमेंट भी है और वो एंटी सोशल एलिमेंट जो है आके गोली चलाए थे, तो ऐसी बातें आ रही है। मैं पूरे ये कह सकता हूँ कि जो इंक्वायरी हो रही है, इम्पार्शियल इंक्वायरी, और जो भी कल्प्रिट है उस कल्प्रिट को बुक किया जाएगा और न्याय मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि प्रोटेस्ट करने का राइट, ये डेमोक्रेटिक राइट है, प्रोटेस्ट हर कोई कर सकता है। अगर उनको लगता है कि प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता पड़ रही है तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनके अपने विदिन राइट थे। लेकिन जब प्रोटेस्ट हो रहा था, उस बीच में ही प्रोटेस्टर्स के बीच में एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं। कल से हम लोग ये बात कह रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो फायरिंग की शुरुआत हुई, जो गोलीबारी हुई, वो पुलिस की तरफ से नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ कि जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसमें जो एंटी सोशल एलिमेंट आए, उन्होंने स्टोन पेल्टिंग किया। उससे पहले जाकर जो है इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन जहाँ होती है, जो ऑफिसेस होते हैं, उसमें तोड़ फोड़ किया, वीडियो जारी किया एडमिनिस्ट्रेशन ने, और तोड़ा ही नहीं, जिस तरीके से एकदम समझिए कि ध्वस्त कर दिया ऑफिस को। और उसके बाद जो एंटी सोशल एलिमेंट है वहां आते हैं भीड़ भाड़ में, और भीड़ भाड़ में आने के बाद जो है वहां पे कौन गोली चला देता है, जितनी दूरी दिखाई गई है पुलिस की और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारी बातों तथ्यों को लेकर जो है पुलिस वहां पे अपना आज वहां प्रेस ब्रीफिंग भी किया है और इस बात को।